बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। फ्रेंड्स, मैं नोटराम मुरली आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में, जहां पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने एक दलित समाज की महिला के घर में घुसकर उसके ना केवल उसके बच्चों को पीटा बल्कि बंदूक और अपने हथियारों के दम पर उनके परिवार के लोगों को डराया धमकाया भी और उसके दो युवकों को भी पीटा, जो युवक काफी ज्यादा घायल हो चुके। आपको मैं बताने की कोशिश करूँ तो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव दलित समाज के परिवार के आपको बता दें कि घर में घुसे, जिसका नाम गायत्री था, उसके घर में घुसे और वहां पर आपको बता दें कि इन लोगों ने मारपीट की, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें मारपीट की और अपने गनर के साथ छवि दिखाने, जो अपना लोक बढ़ाने के लिए और अपना लोगों के साथ अपनी दिखाने के लिए उन्होंने आपको बता दें गनर और अन्य लोगों को लेकर वहां पर समाजवादी पार्टी का ये नेता गया और आपको बता दें कि वहां पर बंदूक के दर पर उनको धमकाया डराया। पूरा मामला जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन दलित समाज की है और उस पर कब्जा करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के नेता। इस मामले के अंदर समाजवादी पार्टी ने गिरफ्तारी होने के बाद प्रदर्शन भी जताया और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता निर्दोष है, जबकि महिला का कहना है कि उनके साथ मारपीट हुई है। मेरी व्यवस्था में से देखिए सुने, हमारी बात सुने, सत्ता आती जाती रहती है, मेरी बात सुन रहे आप, सत्ता आती जाती है, आप मुझसे हाथ मत जोड़िए, आप मुझसे हाथ मत जोड़िए, सुनिए, आप मुझसे हाथ मत जोड़िए, हमारी चल रहा है प्रतिदिन, मैं भी कुछ कह रहा हूँ, आप मुझसे हाथ मत जोड़िए, बात मचा रहे हैं तो उसको बताइए, मतलब नहीं है हमारे पास दवाई है, हम अपनी दवा करिए, हम उसका बात करेंगे, मैं करूँगा।